नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है निर्मल बतख फार्म बिहार सहरसा। जी हाँ दोस्तों, यह देख लीजिए मशीन, आप कई वीडियो में देखे होंगे इस मशीन को। इस मशीन से आप जो हैं एक साथ दो प्रजाति का चूजा जो है आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुने हैं, यह देख लीजिए हमने क्या लगा रखे हैं अच्छी तरह से। यह तो बतख के अंडे हैं यह वाले, और यह जो है बटेर के अंडे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुने हैं, यह बटेर के अंडे हैं और यह 18 से 22 दिन में निकल आता है। हमने इसको अभी अभी लगाए हैं और बतख के अंडे को भी लगाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका बटेर का जो चूजे है वह पहले निकल आता है और बतख के बच्चे जो है वह बाद में निकलता है। तो इसीलिए जो है आप एक साथ में आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप रह जाता है इस ट्रे में, तो उसमें जो है आप बड़ी आसानी से देखिए आप जो है बटेर के जो अंडे है वो आप लगा सकते हैं। आपको बटेर के अंडे का जो है अलग से ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यह देख लीजिए हमने लगा दिए और पलट भी जाता है बड़ी आसानी से। यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, यह हमने ऐसे पलट दिए, यह देख लीजिए। और बटेर के चूजे जो है यह देख लीजिए, और साथ में बत्तख के चूजे भी निकल गया है, यह देख लीजिए। और यह जो है बटेर के चूजे हैं, और मैं अगर दिखा सकूं तो आपको यह देख लीजिए, ये वाले चूजे जो है यह करीब करीब रात भर का होगा निकला हुआ। यह चूजे जो है वो निकल के भाग गया। तो ऐसे जो है यह मशीन से जो है एक साथ जो है आप दो चूजे निकाल सकते हैं। यह देख लीजिए, वो बटेर के वो सॉरी बतख के चूजे जो है वो निकल रहा है। यह देख लीजिए, वो देख लीजिए। और इसमें से अगर मैं दिखा सकूं तो यह देख लीजिए, यह जो है बटेर के चूजे पहले ही निकल गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया हूं आपको कि एक साथ अगर आप लगाइएगा तो आपका जो है बटेर के चूजे पहले निकल आएगा और आपका बतख के चूजे जो है वो बाद में निकलता है। यह देख लीजिए कितने सारे जो है इसमें से निकला हुआ है, यह देख लीजिए, यह देख सकते हैं। तो ऐसे जो है आप एक ही मशीन से जो है दो आप चूजे निकाल सकते हैं दो प्रजाति का, और मुनाफा जो है आप डबल ले सकते हैं इसको। देखिए मशीन तो ऐसे भी चलना है आपको, बतख के अंडे के साथ में भी और या मुर्गी के अंडे के साथ में भी। वैसे तो मुर्गी के अंडे के साथ में तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, बतख के अंडे के साथ जो है वो सही बैठता है क्योंकि बतख के चूजे बाद में निकलता है और ये बटेर के चूजे जो है वो तो पहले निकल आता है। तो अगर आप मान लीजिए बतख के आप इसमें बैठाना चाहते हैं ऐसे मशीन में अंडा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप बटेर का भी जो है काम ज़रूर खोलिए ताकि जो है एक साथ जो है आप दो चूजे जो है आप निकाल सकते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं बटेर के चूजे जो काफ़ी बड़ा हो चुका है और हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं इसके ऊपर में। तकरीबन आप लेके चलिए 2022 के दिसंबर महीने के आसपास मैंने किया था। जी हाँ दोस्तों, यह देख लीजिए, यह हमारा जो है बटेर फार्म है, यह देख लीजिए, यह देख लीजिए। ये हमने 84 पीस से स्टार्ट किए थे शुरू में, और मुझे लगता है कि कम से कम जो है इधर मैंने करीब करीब 150-200 मैंने बेच भी चुका हूँ इसमें से।
यह देख सकते हैं बिल्कुल कम स्तर पर पाल रखे थे, और फिर मैंने धीरे धीरे बढ़ाते गया हूँ इसको। यह देख सकते हैं, जहाँ देखिएगा वहाँ पर बटेरी नज़र आएगा इसमें। और यह देख लीजिए हमारे बटेर के चूजे, यह देख लिए होंगे। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यह देख लीजिए, यह थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब इसको शिफ्ट जो है इधर हम दिखा देते हैं आपको कहाँ पर करेंगे। यह देख लीजिए, यह बड़े वाले हैं और यह उससे छोटा है। यह देख लीजिए, हम जो है अब इसको जो है मिला देंगे बड़े वाले में, और वह जो बॉक्स में आपने देखे हैं उसको हम यहाँ पर अब डाल देंगे शायद 1-2 दिन में। और इससे भी मिल लीजिए, यह कबूतर है, इसको भी रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों यह जो है हम जैसे दिल्ली हर में जो है वो कबूतर जो है वो जुए हर जो है वो खेलता है, उसमें रेस लगवाता है, तो हम उस तरीके से इसको नहीं पाल रखे हैं। केवल इसका बच्चे लेते हैं और इसको जो है वो सेल कर देते हैं। यह अभी कम मात्रा में है पाला हुआ, यह देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर करे आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।